वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये चैप्टर 88 जो चैप्टर था जिसका बारे में हम बोला था, जो हम लोग जब कोई सैंपल लगा के कुछ काम करेंगे तो सभी सैंपल का एक स्केल में होना चाहिए, उसका ही कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ने हमको बोल रहा है, सर कुछ कुछ चैप्टर ऐसे टाइप का हो गया है, उसका सेकेंड पार्ट आप बोले नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो जो चैप्टर इस टाइप का है उसका सेकेंड पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये चैप्टर 88 का सेकेंड पार्ट है, चैप्टर 91, क्योंकि अभी निवेंडो 90 हो गया है तो 91 होगा। तो देखिए इसमें क्या है, तीनों टाइप का अलग अलग सैंपल्स हैं, ठीक है। पूरा एकदम उसको मतलब उसका जो टेम्पो मिला के सब कुछ किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल्स जब काम करते हैं तो एक बात हम लोग नहीं देखते हैं, बेसिकली क्या है, ये जो सैंपल्स हम लोग लेते हैं इसका जो पॉइंट मतलब जो जोड़ने का जगह है, तो ये जगह जो है देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऑफसिंक नहीं है, मतलब थोड़ा इधर भी हो सकता था, हम इसको ऑफ करके करते हैं। तो सैंपल जब हम लोग कटिंग करेंगे, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को ले आते हैं, कंट्रोल डी करके उसका टाइम मेजरमेंट करते हैं, कंट्रोल डी करके बैठा देते हैं। तो सैंपल जब इंपोर्ट आप लोग करेंगे तो सैंपल का कितना डेप्थ तक, मतलब ये इसको पूरा जूम करके देखना पड़ेगा किधर से इसका वेब फाइल स्टार्ट हो रहा है, मतलब किधर से इसका साउंड स्टार्ट हो रहा है। देखिए साउंड इधर से स्टार्ट हो रहा है मगर सैंपल है इधर से, मतलब ये जो जगह है ये जगह ऑफसिंक में है। ऑफसिंक मतलब ये जगह अगर गाना बड़ा होगा तो ये जगह छोटा 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 बड़ा होके एक बहुत ही ऑफसिंक में चला जाएगा। तो ये हम लोगों को करना पहले ही चाहिए। नीचे का भी देखिए, नीचे का भी इधर से होना था, हम लोग नहीं किए हैं, थोड़ा सा इधर से होना था क्योंकि ऊपर का जो लेफ्ट सैंपल लेफ्ट चैनल जो है इधर से चालू हो रहा है। तो हम लोग ऐसे ही इसको बैठा दिया और उस ये जो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म का जो जगह है, इस जगह भी सैंपल का देखिए थोड़ा सा लेंथ है, जो जगह पर कोई सैंपल साउंड है ही नहीं, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा बात है क्या, इसमें पहले हम लोग सुनेंगे क्या क्या है इसके अंदर। तो देखिए इसको चलाते हैं, पहले सोलो करते हैं इसको। इसको कौन से स्केल में है उसका एक मीटर के हिसाब से हम होता है ना, जो मीटर होता है मोबाइल का भी होता है, आपको देख लीजिएगा मोबाइल का होता है पिच मीटर, मतलब पिच मीटर में आप लोगों को मिल जाएगा ये कौन सा पिच में बज रहा है, तो मिल जाएगा। और इधर अब हम लोगों को अगर देखना है, मतलब ये जो कीक बज रहा है कौन सा पिच में बज रहा है वो अगर देखना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कोई भी एक इसमें इंस्ट्रूमेंट रैक ले लीजिए, इसमें कोई भी कीबोर्ड टाइप का कुछ टोन्स ले लीजिए जिसमें आप लोगों को मिलेगा, कोई एक पियानो नहीं तो कोई भी कुछ टोन्स ले लीजिए और उसका साथ इसको सोलो करके बजाइए और देखिए इसमें किस में मतलब कौन सा टोन में ये मिल रहा है। तो इसको एक स्नैप को ऑन करते हैं, इसको ये कर देते हैं और इसको थोड़ा पी करके इसको रेंज सिलेक्शन रेंज नहीं है, इसको पी कर देते हैं, इस छोटा जगह पर ये घूमेगा, इसको हम लोग नोट में आ रहा है। तो देखिए इसका जो सैंपल है ये बी स्केल में बज रहा है, ठीक है, तो हमको लग रहा है बी में बज रहा है। तो कीबोर्ड लगाने से और भी थोड़ा कुछ परफेक्शन ज़्यादा होगा, तो हम लोग पकड़ लेते हैं ये बी में बज रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा ये किस में बज रहा है, ढोलक जो बज रहा है ये भी शायद बी में ही बज रहा है। एफ में बज रहा है, तो अगर ये बी है और ये एफ है तो
तो इसका नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 20 का स्केल क्या होता है, हम इसको नोट पैड में दिखाते हैं। एक मिनट रुकिए, नोट पैड नोट्स। बी जो स्केल है, बी का सागापा क्या होता है, पहले सा होता है बी, उसके बाद गा होता है बी डी शार्प, मतलब डी शार्प, और पा होता है एफ शार्प, हो गया। और एफ स्केल का क्या होता है, सागापा, मतलब हम लोगों को कॉमन देखना पड़ेगा, एफ होता है, एक मिनट रुकिए, इसको एफ होता है, उसके बाद ए होता है, उसके बाद सी होता है, ठीक है। तो इसके साथ कोई कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है नहीं, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए आइदर हम लोगों को ए एफ स्केल में बज रहा है और ए बी स्केल में बज रहा है, तो बी से सी कर देना पड़ेगा। तो सी अगर कर देंगे तो इसका साथ मैचिंग हो जाएगा। सी में क्या होता है, सी में सी ई जी होता है, तो कॉमन होना चाहिए, मतलब कोई भी नोट कॉमन होना चाहिए, तो इसको हम लोग माइनस वन करेंगे। तो ये जो है, ये जो ड्रम बज रहा है, इसको हम लोग माइनस वन करेंगे, इसको डबल, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो इसको माइनस वन कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या है, हम लोग पूरा रेंज इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे, पिच शिफ्ट में जाएंगे। तो पिच शिफ्ट में क्या है, तो ये जो सेमी टोन्स है और फाइन ट्यून्स है, सेमी टोन्स मतलब एक टोन्स को हम लोग उठा दे रहा है, मतलब जो बी था ओरिजिनली उसको सी कर दे रहा है। तो सी करके अगर हम लोग प्रीव्यू सुनेंगे, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ये क्या हुआ है, बेसिकली इसको पूरा रेंज में करना चाहिए, एक नंबर, दो नंबर इसको प्रोसेस में जाके पिच में जाना, पिच शिफ्ट में जाना पड़ेगा, और वन सेमी टोन प्रीव्यू प्रोसेस करके देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा पिछाई हुआ है, अभी इसको चलाते हैं ढोलक का साथ चलाते हैं, मिल रहा है। ये एक प्रोसेस है, अंडू करते हैं, ठीक है, ये सिंगल एक नंबर प्रोसेस ही है। दो नंबर प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग इधर से सिलेक्ट करके इधर से ट्रांसफोर्स क्लास वन कर सकते हैं, और ये भी एक रेंज का अंदर ही करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोज जो होता है ज़्यादा प्लस माइनस टू का ऊपर अगर हो जाएगा आपका ठीक से नहीं बजेगा, मतलब ठीक से नहीं बजेगा, मतलब सैंपल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मिडी नहीं है, वेब है, इसीलिए हम बार बार यही बोल रहे हैं। तो अभी भी ये चल रहा है, और सेमी ट्यून अगर करना चाहिए, मान लीजिए बी और सी का मिडिल में है, तो बी और सी का मिडिल में है, थोड़ा सा सेमी ट्यून में है, मतलब नहीं बी है नहीं सी है, तो उसका मिडिल में है, तो उसके लिए फाइन ट्यून बोलते हैं। तो इसको डबल मतलब इसको रेंज सिलेक्शन करके पूरा को राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाके हम लोगों को नॉइज सॉरी पिच शिफ्ट में जाना पड़ेगा। ये जो सेमी टोन्स है इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ये फाइन ट्यून जो है ये शायद 200 प्लस 200 तक हम लोग कर सकते हैं, मतलब प्लस 200 अगर हो जाएगा तो वन सेमी टोन हो जाएगा, और ये अगर 100 होगा तो वन सेमी टोन का मिडिल होगा। तो ये करके भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स तो थोड़ा दूसरा है, मतलब इसका पहले हम लोगों को इसको सिलेक्ट करके सुनना पड़ेगा, इसको पी प्रेस करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और इसको सोलो बनाते हैं, इसको सोलो करते हैं और इसको सोलो करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, हाँ, इसको पी करते हैं, तो ये जी में बज रहा है, तो जी में अगर ये बज रहा है तो ये किसी का साथ नहीं मिल रहा है, मतलब ये नोटपैड में जी का स्केल का क्या है, जी स्केल इसका क्या होता है, जी का जी सा होता है और
जी होता है, री होता है बी, और गा होता है डी। तो ये है सगापा। तो देखिए अगर इसको हम सी भी कर देते हैं, सी कर दिए है इसको, मतलब अभी ये सी जी हो गया है क्योंकि हम लोग ट्रांसपोज किया है प्लस वन करके सी ई जी किया है। तो ये दोनों तो मिल गया है क्योंकि इसका साथ सी का साथ ए मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई नहीं है तो उसका साथ मिल रहा है, तो इसको जी को क्या करना पड़ेगा, एफ में ले आना पड़ेगा, तब एफ का साथ मिल जाएगा। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इधर से माइनस टू कर देंगे, तो जी से माइनस टू हो गया और इसको माइनस वन कर दे रहा है, सॉरी प्लस वन कर दे रहा है, ये सी में चला जा रहा है और बाकी तीनों एक साथ चला ही है, तो तीनों चलेगा, बहुत बहुत सुंदर चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, पूरा स्केल में बजेगा। ये पूरा इसको ले लेते हैं फुल, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, हो गया। इसको भी कंट्रोल डी बना देते हैं, हो गया। इसको भी कंट्रोल, इसको लगेगा नहीं, अभी चला के देखिए सब एक साथ एक स्केल में बजेगा। सॉरी ये उधर नहीं था, सॉरी कंट्रोल जेड, ये इधर ही रहेगा ओनली, इसको डिलीट कर दे रहा है, इसको कंट्रोल डी करते हैं। तो देखिए अभी चलाते हैं, पूरा स्केल में बज रहा है, सब कुछ ठीक ठाक बज रहा है। तो हो गया, आप लोगों को जो डिमांड था वो हम दिखा दिया है। इसका भी एडवांस होता है, तो एडवांस जो हमसे ट्रेनिंग लेगा उसके फाइन ट्यूनिंग के बारे में हम बोलेंगे, कैसे फाइन ट्यून करता है। तो 88 चैप्टर का कंटिन्यूएशन 91 हो गया। आप लोग थोड़ा देखिए, कमेंट कीजिए क्या हो रहा है, आप लोग ठीक कर पा रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी। जो जो अभी हम जो देंगे, जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका ही देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग वॉच करते रहिए, ढेर सारा कॉमेंट कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको अच्छा लगेगा, हमको सुविधा होगा, हमारा चैनल स्प्रेड करने में सुविधा होगा। और जो हमसे सीखना चाहते हैं वो हमको SMS करिए, हम उसको फ़ोन कर लेंगे, नहीं तो आप SMS करके SMS में भी पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।